हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीतीज फ्लेवर। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लेके आई हूँ, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जब कभी पूजा वगैरह होती है ना, तो हम इसको ज़रूर बनाते हैं और इसको हम कभी भी बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती है। और इसको देखिए किस तरह से बनाया गया है ना, इसकी थिकनेस देखें आप। और इसमें राइस बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। जी हाँ, ये खीर है और ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप लोगों ने सबने खाई होगी, तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन में लिया है 2 लीटर के करीब दूध लिया है। अब इसमें मैं 2 से 3 बॉइल्स आने दूंगी और गैस का फ्लेम हमें पहले तो हाई रखना है, उसके बाद हमें गैस का फ्लेम लो कर देना है, जिससे कि हमारा दूध है ना ऊपर ना निकल आए, क्योंकि वही होता है नज़र हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि जब हम देखते हैं ना दूध निकलता नहीं है, जब हम थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं तो दूध तुरंत से निकल जाता है, इसीलिए गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है। और मैंने यहाँ पे लिए हैं थोड़े से राइस लिए हैं, ये मैंने राइस लिए हैं 4 स्पून, जिसको मैंने भिगो के रख दिया था। और उसके बाद इसमें ऐड कर देना है, राइस को करीब 1 घंटे तक भिगो के रख देना है, जिससे कि राइस हमारा अच्छे से मैश हो जाएगा और खीर जो है ना हमारी एकदम थिकनेस वाली और मज़ेदार बनेगी। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है, लो फ्लेम पर ही हमें खीर को अच्छे से पकने देना है और बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे और राइस को अच्छे से मैश करते रहेंगे। लो फ्लेम पर खीर को रखने के बाद हमें बीच बीच में बस थोड़ा सा चलाना है और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, खीर एकदम मज़ेदार बन जाती है। देखिए यहाँ पे जो खीर है ना हमारी कलर भी चेंज हो गया है इसका, और कितने सारे बॉइल्स आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी थिकनेस हो रही है खीर की, देखिए लग रही है ना कितनी ही मज़ेदार। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं चीनी। चीनी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप मीठा खाना पसंद करती हूँ वैसा ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इलायची, जिसके सीड्स मैंने निकाल लिए थे उनको क्रश करके इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पे मैंने लिए हैं बादाम। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी किशमिश, आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, उन्हें ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद हैं, तो ड्राई फ्रूट्स ना ऐड करें, उनके लिए निकाल दें, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं, गैस का फ्लेम हमें ऑफ कर देना है। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। लग रही है ना देखने में एकदम मज़ेदार। तो मेरी रेसिपी ट्राई करके इस तरह से एक बार जरूर बनाइएगा खीर, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।